दोहरे हत्याकांड से भड़के परिजनों ने लगाया जाम। घंटों बाधित रहा आवागमन। चोरहटा थाने के दादर गांव में एक दिन पूर्व हुई थी घटना। एफआईआर की कॉपी व फरार आरोपी की गिरफ्तारी लोग मांग कर रहे थे। ले चलते हैं मध्य प्रदेश के रीवा की ओर, जहां दोहरे हत्याकांड को लेकर रविवार को बवाल मच गया। गुस्साए परिजनों ने सड़क में जाम लगाकर आवागमन रोक दिया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जो आक्रोशित परिजनों को समझाइश देकर शांत करवाने का प्रयास कर रहा था। चोरहटा थाने के दादर गांव में एक दिन पूर्व रविंद्र पांडे व उनकी पत्नी पुष्पा पांडे की धारदार हथियार से हमला कर बड़े भाई रामायण पांडे व उनके परिवार के सदस्यों ने हत्या कर दी थी, जिसको लेकर गाँव में तनाव का वातावरण बना हुआ है। घटना से गुस्साए परिजनों व स्थानीय लोगों ने बनकुइया मार्ग में दादर बोर्ड के समीप जाम लगा दिया। देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही प्रभारी सीएसपी डीपी सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस दौरान आक्रोशित परिजनों को समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन वे फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और एफआईआर की कॉपी सहित अन्य दस्तावेज परिजनों को दिलवाने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें, इस दौरान चोरहटा थाने के पुलिस कर्मियों के प्रति भी परिजनों का आक्रोश देखने को मिला, जिन्होंने पूर्व की गई शिकायतों पर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की थी। पुलिस काफी देर तक परिजनों को समझाइश देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। घटना को लेकर पूरे गांव में तनाव का वातावरण बना हुआ है, जिसको देखते हुए पुलिस स्थिति पर नजर रखे हुए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। 50 बार एफआईआर में पुलिस 100 नंबर में आए, वरुण आए, नीरज पांडे आए, सिंगम आए, सिपूजन मिश्रा जी आए और आए, देख के चले जाते थे। आज ये पुलिस प्रशासन का कारोबार तगड़ा होता, शासन कड़ी होती, तो आज हमारे बड़े पापा बड़ी मम्मी का मर्डर ना होता। और इसी यही चोरहटा थाना पुलिस प्रशासन के चलते आज मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी का मर्डर हो गया। और मेरी मांग ये है कि जल्द से जल्द जो अपराधी फरार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और सजा के तहत पे, और मेरी मांग ये भी है कि चोरहटा थाना सस्पेंड किया जाए। सिंगम नीरज पांडे, वरुण और सिपूजन मिश्रा, ये सस्पेंड किया जाए। मेरी मांग ये है, सस्पेंड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार पांडे उर्फ राहुल कुमार पांडे है। मेरा नाम नितिन पांडे है। मेरे पिताजी का नाम सिराज पांडे है। मेरी माँ का नाम पुष्पा पांडे है। फर्क मेरे पिताजी का, मेरे माँ का। कल मर्डर हो गया। कल उसमें सारे लोग आने के बाद दो को पकड़ लेगा, दो फरार हो गए और जो हैं तो उनको नहीं पकड़े पहले, फिर वो उनको ले गए बाद में ले जाएंगे, बट वो जमा है अभी, और दो को नहीं पकड़ रहे हैं अभी। जितनी मैं पहले रिपोर्ट किया उनकी, उस रिपोर्ट की हमारी कोई वो नहीं मिली है। बस गाँव थाने के जो साहब लोग हैं वो सब पैसा के उनको छोड़ दिए हैं, पैसा ले और छोड़ दिए। जहाँ वो हमारी मांग ये इसमें है कि सर, हमें जो मैं रिपोर्ट कल जो कल बरामद हुआ है, बरामद का हमें दवाई चाहिए, वो रफी चाहिए, और जो कल रिपोर्ट हुई उसकी रिफाइज चाहिए। हमें रफी दवाई कुछ नहीं मिली मेरे। और फिर बोलते हैं कि तुम्हें दे दिए हैं हम, हैं सर झूठ बोलते हैं, हम दे दिए हैं, हमें दिए नहीं है। बोले फोन लगा तो कोई नहीं। फिर मैं सामने कल साथ में था, कहीं रिपोर्ट नहीं मिली हमें, अब बोल रहे हैं रिपोर्ट दे दिए हैं। ऐसे कहते हैं, पैसा खा के झूठ बोलते हैं कि पैसे तुम्हें दिए हम, हैं कोई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचा है, कुछ बोल रहे हैं कि तुम्हें दे दिए हैं अभी हम, अब वो दिए नहीं हमें रिपोर्ट के रफी भी है भाई। क्या चाहते क्या आप? हमें रफीद चाहिए, हमारी मांगे पूरे जो हम बोल रहे हैं। इनको अभी पीएम रिपोर्ट भी नहीं मिली है। हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली अभी, सब भी नहीं आया है अभी। हमें कुछ नहीं मिला अभी, कल मर्डर हुआ ना, अभी हमें कुछ नहीं हुआ सर जी।